हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 13, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो तुम्हें सॉल्व करना है और तुम्हें आना चाहिए। एक अलग ही लगाव था इस साल का, सिर्फ का दो क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ लिए कैट वालों ने। ए मिक्सचर कंटेन लेमन जूस एंड शुगर इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखो बहुत ही प्यार तरीके से करेंगे। एक मिक्सचर है, मान लो ये रहा मिक्सचर, ध्यान से समझना है ना, एज इट इज लिख रहा हूं। मिक्सचर में एक लेमन है और एक शुगर है, दोनों क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। इक्वल में मतलब ये वन है तो ये भी वन है। पूरा मिक्सचर कितना हुआ, अगर ये वन और ये वन, तो पूरा मिक्सचर मान लो, अगर मैं वन लीटर मानू तो पूरा मिक्सचर टू का हुआ ना। बस इतना दिमाग लगा लेना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखो, इफ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाई एडिंग दिस मिक्सचर, अगर नया मिक्सचर बनाया जाता है इस मिक्सचर को ऐड करके, जिसके अंदर शुगर एंड सिर्फ मिक्सचर एंड शुगर सिर्फ इज 1:3। अब सुन लो, जो नया मिक्सचर बन रहा है ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इंटरप्रेट करना। जो न्यू मिक्सचर बन रहा है, ध्यान से आराम से समझना, न्यू मिक्सचर जो है क्रिएटेड बाई एडिंग दिस मिक्सचर, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर पूरा जो है पहले वाला, और किसका है, दूसरा इसमें सिर्फ है। ध्यान से समझो ना, ध्यान से बहुत ही ढंग से समझो, बात समझ में आएगी। इनका रेशो 1:3 है सर, 1:3 है। क्या अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, क्या अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये 2 है यूनिट में, ये 1 है, तो अगर मैं इसको 2 यूनिट बनाना चाहूंगा, जस्ट टेल मी, इसको अगर मैं 2 यूनिट बनाना चाहूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से। अब इस 2 के अंदर यू नो वेरी वेल कि लेमन कितना है, लेमन 1 है, और इसके अंदर अगर तुम लोग शुगर की बात करोगे तो ये 1 है। अब तुम्हें ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे में पूछ लिया क्या, देन द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर इन न्यू मिक्सचर। तुम्हें पूछ लिया गया कि जो लेमन है और शुगर, भैया यहां ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, दोनों को ऐड करो तो ये 7 हो गया, लेमन 1 है, तो जो फाइनल रेशियो है इसका बच्चों, फाइनल रेशियो जो लेमन रेशियो शुगर का कितना है, 1:6 + 1:7। बड़ा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, बोलो फील आया तो। अब है ना, कॉन्सेप्चुअली जो बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं है वो यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या है, लैंग्वेज मिसरीड कर लेते हैं या मिसगाइड हो जाते हैं इस चक्कर में, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट बना लेते हैं। अदरवाइज जैसे बोला है वैसे वैसे करोगे तो सिंगल 1 सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,